आज हमारा देश आतंकवाद की ज्वाला में धधक रहा है। कितनी माओं से उनके लाल बिछड़ गए, इतने शहीद हुए हैं, और मैं उन सभी माओं को, बहनों को, पत्नियों को ये कहना चाहती हूँ कि इस दुख की वेला में सारा भारत उनके साथ है, और श्रद्धांजलि स्वरूप इस आतंकवाद से जूझते हेतु मैं वेब मीडिया प्रभारी आदरणीय अमिता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। वे देश की इस दशा पर कुछ प्रकाश डालेंगी और हमें अपने कर्तव्यों से आगाह करेंगी, दो शब्द कहेंगी। आदरणीय अमिता शर्मा जी, 3 दिन पहले जो मुंबई में घटना हुई थी आतंकवाद की, उससे देश में सभी लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत क्रोधित हैं, और सभी के मन में एक बात आती है कि चाहे वो हक की बात हो या रिश्ते की बात हो, सभी इस चीज को जानते हैं कि जो आतंकवाद है वो न रिश्तों को हमेशा परवान चढ़ाने के लिए बनता है। इसलिए उस लाइन पे मैंने दो शब्द कहने की कोशिश की है कि गांधी का नासूर रिस रहा है, कानून नाम से पिस रहा है, बनाने वाले हम हैं, इसलिए हमेशा चिता की तरह जलते हैं, रोटी सेकने वाले सेकते चल रहे हैं। रोटियां कुर्सियों की माया में गांधी के शहर से शुरू हुआ है, गांधीनाथ के द्वार मिला है, और अब बात यह है भारत तक की पहुंची कि लोगों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं, लोगों ने अपनी विधा चुन ली है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम एक हैं। आतंकवाद से जब भी चल रहे हैं हम, उसी में जल रहे हैं हम। हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, नहीं कुछ कह पाते, इसलिए रोकर किनारा करते हैं। बोलने और बताने की बातें कानून से शुरू होती हैं, जो कानून है सिर से शुरू होकर पैर तक खत्म हो जाते हैं, हाथ में हासिल शून्य के अलावा कुछ नहीं होता है। हर बार हमले हमारी आत्माओं पे होते हैं, कोई सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये रोटियां सेकने वाले हैं, रोटी सेकते चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, हमारे सभी वेब मीडिया सब लोगों की तरफ से, कि इन लोगों ने जो त्रासदी झेली है, ईश्वर उनकी इन त्रासदियों को झेलने की जो ताकत है, शक्ति है, उसको बनाए रखे, और आने वाले समय में वो अपनी बातें कह सकें और अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकें, ताकि हम अपने कानून को बदल सकें या कानून के लिए खुद कुछ कर सकने की ताकत जुटा सकें। मैं सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ।